हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हरिओम सक्सेना स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्लिंथ टू पैरामाउंट पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनबीसीसी का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आया हूं। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है इस बार, जो पहली बार फॉर्म भरा है जिन्होंने, और यहाँ पर जो भरना चाहते हैं अगली बार का फॉर्म, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो एंड तक मेरा ये वीडियो देखिए। अब सबसे पहले मैं इस पेपर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये पेपर बहुत ईजी होता है। अगर आप ईमानदारी से इस पेपर के लिए एक महीने भी प्रिपरेशन करते हो, तो मेरा मानना है आप आसानी से इसकी कट ऑफ में अपना नाम जोड़ पाएंगे। तो देखते हैं ऐसे क्या रीज़न हैं जो ये पेपर ईजी हो जाता है। पहला रीज़न ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 होते हैं, और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास टाइम 2 आवर्स का होता है। तो आप जान सकते हैं 100 क्वेश्चन और 120 मिनट आसानी से हो जाएंगे। दूसरा रीज़न ये भी है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन आप करते हैं, तो उस रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका कोई अंक, कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा, वो भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है इसमें। इसके अलावा जो इसका सिलेबस है, उसमें आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के, और बाकी के 90 जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो टेक्निकल के होते हैं। तो इसमें कोई मैथ और रीजनिंग जैसी या फिर इंग्लिश जैसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ जाए। आपने इंजीनियरिंग पढ़ी रखी है, जीके आप डेली पढ़ते ही हो, तो ये पेपर बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। इसमें शुरुआत के 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं, बाकी के 90 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन द ब्रांच ऑफ अ ट्री इज शेकन वायलेंटली द लीव्स फॉल। जब किसी ट्री की पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उन्हें हिलाया जाए, तो उससे पत्ते गिरते हैं, ये घटना कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन एस फर्स्ट लॉ, बाकी सारे इनकरेक्ट है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है, अगर कोई बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट में है या फिर मोशन की स्टेट में है, तो वो रेस्ट और मोशन में ही रहना चाहेगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो, ठीक है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाता है। इसके अलावा न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसमें कहा गया कि जो फोर्स होगा वो प्रोडक्ट होगा मास एंड एक्सेलरेशन का। इसके अलावा न्यूटन का थर्ड लॉ भी है। थर्ड लॉ में कहा गया है कि एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और इसके ऊपर कई सारे एग्जांपल भी हैं, जैसे कि रिकॉलिंग ऑफ गन या फिर जो रॉकेट का सिद्धांत है वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूछा है वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम एज वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर होती है। अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट के लिए, तो उसके लिए भी 35 होती है। अगर पूछा जाए गवर्नर के लिए, तो उसके लिए भी 35 होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी होती है, तो उसके लिए 25 होती है। या आपसे पूछा जाए लोकसभा के मेंबर के लिए कितनी होती है, तो उसके लिए भी 25 होती है। और आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के मेंबर के लिए, तो राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 होती है, ठीक है। तो ये एज भी याद रखने वाली चीज़ है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू। जो प्रेसिडेंट होता है वो लोकसभा में 2 मेंबरों को नॉमिनेट करता है, और इन 2 मेंबरों को कहा जाता है एंग्लो इंडियंस। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। लोकसभा में 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, और राज्यसभा में भी पूछा जा सकता है, राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो टोटल मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो 14 होते हैं, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। दोस्तों, ये जो 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, ये 12 के 12 मेंबर आपके कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में निपुण होने चाहिए। ऐसे 12 मेंबर को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, द फीफा वर्ल्ड कप 2018 विल बी
ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पूछा गया है। 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किस कंट्री में होगा, तो वो होगा रशिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इससे पहले 2014 में हुआ था, ये हुआ था ब्राजील में, ब्राजील 2014 में। 2014 का जो हुआ था ब्राजील में हुआ था, और इसके अलावा जो 2022 का होगा वो होगा कतर में। 2022 यानी 2022 का जो होगा वो होगा कतर में, तो आपको याद रखना है 2022 का, कतर का याद रखना आपको, कतर। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होंगे कतर में, ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, प्लैनेट दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज, ऐसा ग्रह जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ऐसे तो दो ही ग्रह होते हैं, एक तो होता है वीनस, वीनस, और दूसरा होता है यूरेनस, जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी साइज, स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट, किलोबाइट। इससे भी छोटी यूनिट होती है मेमोरी साइज होता है वो होता है बाइट, और बाइट से भी छोटा होता है बिट, ठीक है, और बिट से भी छोटा होता है निबल, तो निबल, उसके बाद में बिट, बिट, और बिट के बाद में होता है बाइट, BYTE, ठीक है, बाइट, और बाइट के बाद में आता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में आता है मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, और जॉयडा, और भी सारे होते हैं ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के, ठीक है, और समय ऐसा ही रिलेशन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट नहीं है क्लाइमेट के लिए। ठीक है, तो क्लाइमेट के जो फैक्टर इम्पोर्टेंट हैं वो होते हैं, एक तो डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये इम्पोर्टेंट होता है, लेटीट्यूड भी इम्पोर्टेंट होता है, और एल्टीट्यूड भी इम्पोर्टेंट होता है, लॉन्गीट्यूड इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉन्गीट्यूड। ठीक है, और इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग एयर, एयर का वायु की दिशा, ये चीज़ भी क्लाइमेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सी वी रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ रेडिएशन, सॉरी पूछा गया, जो सी वी रमन थे उन्हें नोबेल प्राइज मिला है साइंस में तो उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो दिया था स्कैटरिंग पे, उनके सिद्धांत का नाम था रमन इफेक्ट, ठीक है, वो भी याद रखना है, स्कैटरिंग इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रोटेशन, वेरी इजी। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था कि जो वीनस और यूरेनस हैं वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, बाकी सारे के सारे ग्रह हमारे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से वीनस होगा जो एक अकेला ग्रह है इन सब में से जो क्लॉकवाइज करता मूव, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज करते हैं रोटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, वास्को डी गामा वाज ए नेटिव ऑफ, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे, ये पूछा गया है। वास्को डी गामा, वही वास्को डी गामा जिन्होंने इंडिया की खोज की थी, जो 1498 में समुन्दर के सी रूट से और हमारे इंडिया में आए थे, कालीकट पे आए थे 1498 में, और ये रहने वाले थे पुर्तगाल के, एक पुर्तगीज थे। ठीक है, तो ये सारे 10 क्वेश्चन आपके जीए से हो जाएंगे, और अब जो सेक्शन स्टार्ट होने वाला है वो है आपका सिविल इंजीनियरिंग से, आपके अपने डिसिप्लिन से। तो क्वेश्चन नंबर 11, इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ फ्रीली सपोर्टेड बीम और स्लैब पूछा है, जो इफेक्टिव स्पैन होता है फ्रीली सपोर्टेड बीम या स्लैब का वो कितना होना चाहिए, तो आरसीसी से पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल मेमोरी बेस्ड है। देखते हैं, पहला डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एंड सपोर्ट, तो पहला ऑप्शन सही है आपका। दूसरा देखते हैं, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, ये भी लिया जाता है कंडीशन में। तीसरा देखते हैं, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट प्लस ट्वाइस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग है। फर्स्ट और सेकंड आपके सही हैं। फर्स्ट और सेकंड क्यों सही हैं, क्योंकि जब हम इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं बीम और स्लैब की, तो ये दो ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से जो भी कम होता है वो हमें चूज करना होता है, यानी कि लीस्ट वन और टू,
इन दोनों में से जो भी कम होगा, पहले और दूसरे ऑप्शन में से जो भी कम होगा वो हमें चूज़ करना होता है इफेक्टिव स्पैन। क्वेश्चन नंबर 12, डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम इज़ यूज्ड। डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम का यूज़, अब इससे पहले आप डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम को समझिए कि डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम होती क्या है। जैसे कि ये कोई एक सिंपल बीम है, इस बीम को हम दो पार्ट में बांट देते हैं न्यूट्रल एक्सिस की मदद से। ये न्यूट्रल एक्सिस होता है जो बीम को दो हिस्सों में बांट देता है। ऊपर का जो हिस्सा होता है इसे हम बोल देते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन जोन, और नीचे का पार्ट होता है इसे हम बोल देते हैं टेंशन जोन, इसे बोल देते हैं टेंशन जोन। ठीक है, तो ऊपर का जो कंप्रेशन जोन होता है वो कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जो नीचे का जोन होता है वो टेंशन और कंप्रेशन जोन दोनों के लिए ही अच्छा सेक्शन होता है। ऊपर का सेक्शन केवल कंप्रेशन के लिए अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी टेंशन आ जाए तो ये बीम पूरी की पूरी फेल हो जाएगी, और सडनली फेल होगी बिना किसी वार्निंग के, क्योंकि हमें पता है जो कंक्रीट फेल्योर होता है वो सडन फेल्योर होता है, एक ब्रिटल फेल्योर होता है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है हमारा उसमें बोला है कि डब्ल्यू रेनफोर्स बीम हम क्यों यूज करते हैं। वो इसीलिए यूज करते हैं, जैसे कि अगर बीम पर हमारा जो आने वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा क्रिएट हो रहा है बीम के ऊपर, मोमेंट यानी बीम या फिर बीम की जो मोमेंट रेजिस्टिंग पावर है वो कम है, जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है बीम के ऊपर उस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए पावर नहीं है हमारे सिंगली रेनफोर्स बीम के पास, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, या तो बीम की डेप्थ बढ़ा के उस कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है। अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम उसकी डेप्थ नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग के हिसाब से हमें सारे डायमेंशंस लेने होते हैं बीम के, आर्किटेक्चर जो हमें देता है उसके हिसाब से हमें बीम डिज़ाइन करना होता है, और फिर एक एस्थेटिक अपीयरेंस भी होता है। अगर हम बीम की डेप्थ को ज़्यादा कर दें तो वहाँ का जो एस्थेटिक अपीयरेंस होगा वो या तो जो हमारा प्रॉपर डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रीज़न होते हैं हमारे। ठीक है, तो जब हम डेप्थ नहीं बढ़ा सकते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें डबल जो कंप्रेशन जोन होगा यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देंगे, और हम चाहें तो इसकी जो डेप्थ है वही डेप्थ इसकी रहने देंगे, या फिर कम भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन डेप्थ फिर हम डेप्थ नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, और एक डिसएडवांटेज भी है इस चीज़ का, अगर हम रेनफोर्समेंट दोनों तरफ प्रोवाइड कराएंगे तो ये जो बीम है हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगी, इसमें शियर रेनफोर्समेंट भी ज़्यादा प्रोवाइड कराना होगा फिर हमें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है ये बीम। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो डब्ल्यू रेनफोर्स बीम है वो यूज़ की जाती है कब, जब डेप्थ एंड विड्थ ऑफ बीम हैव बिन रेस्ट्रिक्टेड। जब हम डेप्थ और विड्थ को नहीं बढ़ा पाएँ तो उस केस में हम डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ सिलेंडर एलिमेंट इज द वन हुज, एक सिलेंडर एलिमेंट जिसका या जिसकी लेंथ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेंथ इज लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डेप्थ, उसकी जो लेंथ है उसकी डेप्थ से ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर टू, लेंथ इज लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स अदर डायमेंशन, तो ऑप्शन नंबर टू इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये नीचे के दोनों ये बिल्कुल होते ही नहीं है। जो सिलेंडर एलिमेंट होता है उसकी लेंथ उसके किसी भी डायमेंशन से ज़्यादा होगी, या तो उसके डायमीटर से भी ज़्यादा होगी, उसकी विड्थ से भी ज़्यादा होगी, और उसकी थिकनेस से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से उसकी जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। 14 क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील बीम इज़ लिमिटेड, तो डिफ्लेक्शन लिमिट पूछी गई है स्टील बीम के लिए, तो नॉर्मली जो लिमिट लेते हैं हम स्पैन अपॉन 325 होती है, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज़ करेक्ट आंसर। इसके अलावा और भी लिमिट होती हैं जो कि LSM में हम लेते हैं, दो कंडीशन होती हैं, एक जब जब क्रैक आ रहे होते हैं हमारे स्ट्रक्चर मेंबर पर, और एक जब क्रैक नहीं आ रहे होते हैं। तो जब क्रैक आ रहे होते हैं तो लेते हैं स्पैन अपॉन 360, और जब क्रैक नहीं आते हैं तो लेते हैं स्पैन अपॉन 300। तो बेसिकली हम उनका कम यूज़ करते हैं, WSM में ज़्यादा हम इनको लेते हैं स्टील के जो सेक्शन होते हैं, तो स्पैन अपॉन 325 ये, और यही आपसे पूछा जाएगा स्पैन अपॉन 325। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉयल, सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, यहाँ पर आपसे सीधा फॉर्मूला पूछा है, जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर एट अ पॉइंट वेयर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर आता है, उस पॉइंट पर आएगा जहाँ सीयर फोर्स
या तो 0 हो रहा होगा या फिर अपना साइन चेंज कर रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दोस्तों वही होता है जहाँ शियर फोर्स या तो 0 होता है या फिर अपना साइन चेंज कर रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी जान लो कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर क्या होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर क्या होता है, जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा होता है पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, जिस तो उसी पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर, जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है या तो पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्जर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 17, द रेड कलर ऑफ ब्रिक्स इज ड्यू टू, जो लाल कलर होता है ब्रिक का वो किस कारण से होता है, तो दोस्तों वो होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से, सिल्का हो नहीं सकता, मैग्नीशिया हो नहीं सकता, एलुमिना हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो कंपोनेंट हैं आपके ब्रिक के, जो ब्रिक में स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और क्या कहते हैं मोल्डेबिलिटी और ये वगैरह वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। बाकी आयरन ऑक्साइड एक पिगमेंट होता है जो रेड कलर देता है ब्रिक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द लोअर वाटर सीमेंट रेशो इन कॉन्क्रीट प्रोड्यूस, अगर हम वाटर सीमेंट रेशो कम कर दें कंक्रीट के अंदर तो क्या है, वाटर की क्वांटिटी कम होगी उसमें। अच्छा, वाटर की क्वांटिटी हो कम होगी तो जो पार्टिकल्स होंगे आपके कंक्रीट के, उसमें सीमेंट एग्रीगेट या आपस में बहुत पास पास हो जाएंगे, जब पास पास होंगे तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, उनमें क्रीप कम होगा, श्रिंकेज कम होगा, और पास पास होंगे तो ऑब्वियसली बात है उनमें बॉन्ड भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चारों के चार, तीनों के तीनों आंसर आपके सही, यानी ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सपोज दोस्तों, सपोज दैट अगर वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, जो पार्टिकल्स हो जाएंगे आपके, जो कंक्रीट के अंदर पार्टिकल होंगे उनके बीच में क्या होगा, पानी जाके फिर फिल हो जाएगा और वहाँ पर स्पेस यानी एक गैप बन जाएगा, जिस गैप की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19, रेनफोर्समेंट बार आर जनरली बेंट, जो सरिया होता है उसे जनरली बेंट किया जाता है, तो जनरली तो भाई मैन्युअली लीवर का यूज करके ही होता है बेंट। ठीक है, हम लीवर का यूज करके उसे बेंट करते हैं। आपने साइड पर देखा होगा जो जो लोग होते हैं वहाँ साइड पर, वो क्या करते हैं, वो दो सरियों के बीच में उस सरिये को फंसाते हैं और बेंट कर देते हैं, जितने एंगल पर उसे चाहिए होता है उतने एंगल पर वो बेंट कर लेते हैं और एंगल मेजर कर लेते हैं। 90 का बनाना हो तो 90 डिग्री का बना लेते हैं, 120 का बनाना हो तो 120 का बना देते हैं। ठीक है, तो मैन्युअली ही जनरली बेंट किया जाता है रेनफोर्समेंट को। क्वेश्चन नंबर 20, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स मे बी डिफाइन एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन, बॉय मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबको पता होगा क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया है रिकमेंडेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास ब्रिक, ए क्लास ब्रिक की जो रिकमेंडेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके अलावा आपसे पूछ सकता था कि कॉमन बिल्डिंग ब्रिक की कितनी होती है, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक नोट कर लेना इसे, वो होती है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लिख लेना न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो फर्स्ट क्लास ब्रिक की हो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फर्स्ट क्लास ब्रिक की होती है आपकी 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये भी नोट कर लेना है। इसके अलावा सेकंड क्लास ब्रिक की होती है 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे सारी वैल्यू आपको याद रखनी है, कोई ना कोई वैल्यू पूछ ही लेते हैं, या फिर ब्रिक के बारे में वाटर ऑब्जेक्शन भी पूछ लेता है, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसका वाटर ऑब्जेक्शन कितना होता है, तो वो 20% होता है, सेकंड क्लास का 22 होता है और थर्ड क्लास का 25 के समथिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्मूला वी इक्वल टू 1/n r^2/3 s^2 यूज फॉर डिटरमाइनिंग फ्लो वेलोसिटी इन सीवर इज नोन एज, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का यूज होता है सीवर में वेलोसिटी पता करने के लिए। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि इस फॉर्मूले का नाम क्या है, इस फॉर्मूले का नाम है मैनिंग्स फॉर्मूला, मैनिंग्स फॉर्मूला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें ये जो एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैनिंग्स कांस्टेंट को, और जो आपका एस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को, और जो आर है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को। ठीक है, और दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मैनिंग फॉर्मूला होता है इसकी कोई यूनिट होती है क्या,
तो आप वी देखकर आप उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड हो सकता है कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, याद रखना है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि चेजीज फार्मूला की क्या यूनिट होती है। चेजी फार्मूला सबको पता होगा, वी इक्वल टू सी इन टू एम आई होता है, और इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर की पावर हाफ अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23, टू ओरिएंट अ प्लेन टेबल विदाउट टू इनएक्सेसिबल पॉइंट द मेथड जनरली अडॉप्ट इज, दो इनएक्सेसिबल पॉइंट को हमें डिटेक्ट करना है, लोकेट करना है, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? उसमें यूज करते हैं हम टू पॉइंट प्रॉब्लम, टू पॉइंट प्रॉब्लम, टू पॉइंट प्रॉब्लम हो, थ्री पॉइंट प्रॉब्लम हो, या फिर बैक साइड मेथड हो, ये तीनों के तीनों मेथड आपके आते हैं रिजेक्शन मेथड के अंदर, इस रिजेक्शन मेथड के अंदर आते हैं टू पॉइंट, थ्री पॉइंट और बैक साइड, ठीक है। एक बात और, जो रिजेक्शन और ट्रेवर्स मेथड भी होता है, ये बेसिकली चार मेथड होते हैं आपके प्लेन टेबल के, रिजेक्शन, ट्रेवर्स, इंटरसेक्शन और रेडियस। एक मेथड ट्रेवर्स भी होता है, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, ट्रेवर्सिंग, ठीक है, समझ जाना आप। तो जो ट्रेवर्सिंग और जो रिजेक्शन मेथड होता है, इन दोनों में हम बेसिकली प्लेन टेबल स्टेशन को लोकेट करते हैं, और इंटरसेक्शन और रेडिएशन होता है, इनमें हम डिटेल लोकेट करते हैं, डिटेल, ठीक है, डिटेल को लोकेट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रिवेटेड कनेक्शन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम एज इज कैप्ट विद अ व्यू टू प्रिवेंट फेल्योर, जो हम रिवेट प्रोवाइड कराते हैं प्लेट को कनेक्ट करने के लिए, तो प्लेट पर जो एज रखनी होती है, यानी कि रिवेट को हमें जो प्लेट है उसके एज से कितनी दूर लगाना है, उसकी मिनिमम हमें डिस्टेंस रखनी पड़ती है। वो मिनिमम डिस्टेंस हम क्यों रखते हैं? वो मिनिमम डिस्टेंस हम इसलिए रखते हैं ताकि वहाँ पर टीयर फेल्योर ना हो प्लेट के अंदर, तो टीयर फेल्योर ऑफ प्लेट रोकने के लिए ही हम मिनिमम एज रखते हैं वहाँ, ठीक है, एज फेल्योर भी हम उसे कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ क्लोरीन हैज़ नो डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा क्लोरीन है जिसके अंदर डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों कि जो ट्राईक्लोरेमाइन क्लोरीन होती है, इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है अगर मैं और ज़्यादा बनाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 100 क्वेश्चन है इसमें, बाकी के क्वेश्चन मैं अपने अगले वीडियो में डालूंगा, और अभी रात भी ज़्यादा हो चुकी है तो मुझे सोना भी है। तो यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं आज का, और अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो सब आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है, एक लाइक आप मुझे दीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर आपको बताना है कि सर आप ये इम्प्रूवमेंट कीजिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूरी कोशिश करूँगा मैं वो करने की, ठीक है। और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी पता चल सके कि उनको भी आप हेल्प कर सको। तो काफ़ी है इतना ही, और विदा लेना चाहता हूँ अब। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।